दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थापना शाखा के पदाधिकारी संदीप रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूल 9 बजे से 4 बजे तक खुली रहेगी, वहीं हाई स्कूल 9:30 बजे से शाम के 4 बजे तक खुली रहेगी। प्राइमरी स्कूल में 9 से 3 बजे तक शैक्षणिक गतिविधि होगी और 3 से 4 तक शिक्षक का विद्यालय कार्य होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय में एनिकोजल जमा हो गया है उससे बगल के विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई किया जाएगा और जिस विद्यालय में मरम्मति का जरूरत है उसके लिए विभाग की ओर से अवलोकन किया जा रहा है, उसे जल्द ही रिपेयरिंग कर दिया जाएगा। 1-8 के लिए 9 बजे से 4 बजे तक, जिसमें 3 बजे तक शैक्षणिक कार्य चलेगा, शिक्षकों को विद्यालय 4 बजे छोड़ना है। हाई स्कूल 9:30 से 4 चल रहा है। जहां भी अभी सूचना आई है 2 विद्यालय में जहां पानी का जल जमा हो गया है उसके लिए हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था किसी बगल के विद्यालय में, जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक हम लोग किसी दूसरे विद्यालय में उसको शिफ्ट करेंगे, जिससे शैक्षणिक कार्य संचालित हो सके। कई कई विद्यालय की भवन की छत चू रहा है, मरम्मती का काम है, उसमें किस तरह से छात्रों की पठन पठन पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही है, उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं और विभाग के स्तर से उसको सूचित कर सूचना हम देंगे और जो कंटीजेंसी और जो पैसा उपलब्ध हुआ विद्यालय से उसका रख रखाव विद्यालय अपने स्तर से उसको।